अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, माँ बाप भी तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ शेयर और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है इंडियन आर्मी लाल चौक। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियन आर्मी लाल चौक। कश्मीर की सड़कों पर एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसके बारे में कुछ समय पहले तक सोचना भी असंभव था। ये तस्वीर साबित करती है कि किस तरह से कश्मीर तेजी से बदल रहा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सेना बचे कुचे आतंकियों का सफाया करने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ सेना के अधिकारी कश्मीर के लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कश्मीर की आम जनता का सेना के साथ अच्छा और बेहतर तालमेल बन सके। इसी कड़ी में एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सब हैरान हो गए। दरअसल श्रीनगर में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रात करीब 8:30 बजे कश्मीर की सड़कों पर निकल गए। सुनने में ये बात भले ही साधारण लगे, लेकिन आपको बता दें कि कुछ साल पहले तक इतनी रात में कश्मीर की सड़कों पर सेना के अधिकारियों का निकलना इतना आसान नहीं था। उन पर हमेशा हमले का खतरा बना रहता था, लेकिन अब सरकार और सेना की पहल से कश्मीर तेजी से बदल रहा है। अब आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में सेना के सभी वरिष्ठ अधिकारी अचानक लाल चौक पर एक ठेले वाले के पास पहुंच गए। घर में कितने भाई बहन हैं? चार है। चारों सारे तुम्हारे जैसे हंसते हैं, खुश रहते हैं। अल्लाह ताला करे हमेशा खुश रहो। बहुत दिनों बाद मैंने कोई कश्मीरी को देखा स्माइल करते हुए। आपको बता दें कि लाल चौक पर सेना के अधिकारियों को घूमता देख वहां के लोग बेहद खुश थे। आपको बता दें कि इससे पहले चिनार कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे हजरतबल दरगाह पहुंच गए थे। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे के अचानक दरगाह पहुंचने से वहां मौजूद लोग बहुत खुश हुए। आपको बता दें कि भारतीय सेना स्थानीय लोगों के साथ बेहतर समन्वय के साथ अब काम कर रही है। कैसे जानते हो मेरे को? सोशल मीडिया पे आप तो करते रहते हो। आ जा, मैंने बोल तो दिया यार। बट मैं सही बोलता हूँ, हाँ, खुशी होनी चाहिए। बहुत दिनों बाद मैंने कोई कश्मीरी को देखा स्माइल करते हुए, ठीक है। ऊपर वाला खुश रखे आपको। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. जी जनाब। अच्छा, इस वीडियो की वजह से हमें ये पता चला कि ये प्रॉब्लम था। मुझे तो नहीं पता था ये चीज़ का। क्या संभव था रात इस तरीके से आर्मी का जिस तरह के मिसाइल थे कि मतलब एक हमला हो जाता था, लेकिन ये कि कह रहे हैं कि जब इस तरीके से आर्मी के लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के मतलब एक होता है कि आर्मी या पुलिस एक ऐसी चीज़ होती है कि आवाम से थोड़ा सा कटे हुए होते हैं, और आवाम जो है इनसे किसी मतलब इनसे मिलना सब एक तरह से ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत है, तब इनके साथ तो होना ये चाहिए कि बाकायदा। मैं तो एक चीज़ सोचता हूँ कभी कभी कि बाकायदा एक सेमिनार्स होने चाहिए, बाकायदा एक इवेंट्स होने चाहिए जिसमें आवाम पुलिस वाले या आर्मी से जुड़े एक साथ बैठें और बाकायदा खाएँ पिए गपशप करें, इस तरह की चीज़ें। तो उससे क्या होता है कि डर खत्म होगा। अब मिसाल के तौर पर मैंने आपके दो पहले ही बताया था, मैंने कहा दो लोग खड़े हों, एक पुलिस वाला और काम बंदा हो, तो आप आम बंदे के पास जाओगे, रास्ता पूछ रहा हूँ, मुझे मैं एक नॉर्मल बंदे के पास जाऊँगा कि मैंने कहा यहाँ से फलानी जगह कौन सा रास्ता जाए, पुलिस वाले से पूछना मैं बिना वजह मतलब, तो हालांकि पुलिस वाला रास्ते जानता होगा, मुझे ज़्यादा बेहतर गाइड करेगा, जिस गली में डाकूंगी वहाँ से मना कर देगा, यहाँ से नहीं जाओ, मैं साथ दे रहा हूँ, वहीं से भेज देगा कि काटे मेरा। तो अच्छा, आपको पता है कराची में डाकू से याद आया, दो डाकू पकड़े गए पुलिस वाले थे, आम डाकू पकड़े गए मोबाइल छीनते हुए, उनको पकड़ा, उनको मारा, उनसे शराब की गन निकाला, उनके जेब में पुलिस का मोबाइल, पुलिस का कार्ड। मुझे आपकी बात याद आई, आटा एक्सपोर्ट करते हैं और वापस इंपोर्ट करते हैं, तो डाकू एक्सपोर्ट करे थे, पुलिस वाले इंपोर्ट कर रहे थे। क्या करें,
नहीं, अगर देखा जाए कि सरकारी जॉब है उसकी तो फिर सरकारी जॉब है, 6-6 महीनों से सैलरी नहीं मिल रही, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके साथ भी पेट लगा है, वो पार्ट टाइम में ये भी कर रहे हैं। जॉब के बाद नहीं करना चाहिए था, पता क्यों? जो पुलिस वाला भी ये काम कर सकता है, ये तो पुलिस वाला तो ये काम अच्छे से कर सकता है, पुलिस की वर्दी में भी कर सकता है, तो फिर उसको वर्दी उतार के ये काम करने की क्या पता कुछ मसले मसाए हो, दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो, 200 मिलते हैं, रिलैक्सिंग नहीं फील हो रहा, नहीं वहां से 200 मिलते हैं बेटा, पैसे देते हैं मोबाइल से निकल लेते हो, मोबाइल छीन लिया जेबों से, कार्ड निकले जिसमें पुलिस वालों को उनके कार्ड बने हुए हैं, तो इससे ज्यादा आदमी है। अच्छा फिर बैड इमेज चंद लोगों की वजह से सबकी पड़ जाती है, तो मैं कहता हूँ कि वाकई आर्मी हो, पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, हमारे मुँह से उनके लिए गालियाँ निकलती हैं, ठीक है ना, जब ये लोग इनकी हम गलत हरकतें देखते हैं, वीडियोस आती हैं, लोगों से रिश्वत ले रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आवाम के दरमियान में इनके साथ उठना बैठना हो, सेमिनार्स हो, उनकी गैदरिंग्स हो, और जिससे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो बाकायदा आर्मी वाले के पास, पुलिस वाले के पास। इससे एक और चीज़ होगी, इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा इंक्रेज होगा, हम हमारे अंदर होता है कि हम पता नहीं ये बोलें कि नहीं बोलें, हम कंप्लेंट करें कि नहीं करें, हम पुलिस स्टेशन जाएँ कि नहीं जाएँ, हम FIR कटवाएँ कि नहीं कटवाएँ, तो ये जब ये मामला होंगे ना कि आपकी इंट्रैक्शन बढ़ेगी, आपकी बातचीत होगी, आप देखोगे बड़े फ्रेंडली हैं ये लोग, तो कोई मसला नहीं है, हम इनसे अपनी प्रॉब्लम्स अपने, कई लोग तो ऐसे हैं कि लूट फूट भी जाते हैं उसके बाद भी FIR नहीं कटवाते डर के मारे, कई ऐसी भी हमने वीडियोस देखी है जब पुलिस के पास लोग जाते हैं FIR कटाने तो उन्हीं पे इल्जाम लगाते हैं, उन्हीं पे इल्जाम, ये आपने किया है, ऐसी भी चीजें हैं, लेकिन ये कि एक अच्छी वीडियो थी कि जिसमें आर्मी के लोग, मैं तो कहूंगी कश्मीर की एक छवि, नई छवि उभर कर सामने आई, बिल्कुल कि यहां पर अमन है, अमन अमान है, और जो भी ऐसे नासिर थे, जो ऐसे फैक्टर्स थे, बहुत सफाया कर दिया गया है और मजीद होता जा रहा है सफाया, क्योंकि इसका सबसे बड़ा सबूत ये है पापा वीडियो के कि आर्मी के लोग देखें रात के टाइम पे बिल्कुल, आपने सुना था कि काफ़ी दिनों के बाद किसी कश्मीरी को स्माइल करते हुए देखा है, तो मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं ना कहीं उनके दिल में भी ये बात थी कि लोग इतने सहमे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, इतने खौफ व हिरास का शिकार हुए हैं, इतना कुछ इन्होंने झेला और सहमा है और साहा है, तो बहुत मुश्किल से मतलब जो भी कश्मीरी दिखता है, जो भी हमें समझता है, गलत ही समझता है हमारे बारे में, जैसे उनको पूछ रहे थे तो मुझे जानते हो कैसे जानते हो, और क्या कहते हैं मैं जो बोलता हूँ ठीक बोलता हूँ, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुद भी चाहते हैं कि आवाम से पूछें अपने बारे में, अपनी कारकर्दगी के बारे में, आप हमसे सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो, आपका फीडबैक क्या है हमारे हमें लेकर, बिल्कुल। और जब वो स्माइल कर रहा था, हंस रहा था, तो उनको उनको भी खुशी हुई, आपने देखा वो देखकर मुस्कुरा रहे कि वो फील कर पा रहे थे। अच्छा ये तो चलो एक सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, अगर एकदम से आर्मी के चार लोग किसी दुकान पे आए तो बेचारा काम पे नहीं जाएगा, मैंने क्या कर दिया मेरे पास के बारे में, लेकिन ये तो वाकई सबसे मिलते हुए आ रहे थे, या एक मामला ऐसा नहीं था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के पुलिस का या आर्मी का खौफ होता है ज़्यादातर, आवाम थोड़ा सा इनसे कतराती है, लेकिन ये खौफ ख़त्म होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, और ना सिर्फ कश्मीर में, मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, पूरे पाकिस्तान में पुलिस वाले आवाम से दोस्ती करें, आवाम अच्छे पुलिस भी होते हैं और इंडिया में भी, बल्कि पूरी दुनिया में ये चीज़ होनी चाहिए कि जिससे आवाम के दिल में इनके लिए जो नफरत होती है बार दफ़ा, आर्मी के लिए तो कहीं नहीं होती, मैं जहाँ तक समझता हूँ पुलिस के लिए अक्सर होती है, क्योंकि पुलिस के मामला भी कुछ ऐसे होते हैं कि आप बफर आपके सैलरियाँ नहीं मिलते हैं, मतलब ये वीडियो वायरल हुई है बहुत, और एक और वीडियो भी वायरल चल रही है, कौन सी? हॉर्स वाला एक नया केस सामने आ गया है, घोड़े वाले टारगेट है भाई। अच्छा आपको पता है, जब बहुत अच्छी बात बताऊँ, जब लुप्त अमानत की वीडियो वायरल हुई थी ना, तो जब उनको जेल के पीछे डाल दिया गया था, तो उन्होंने बहुत खुश हो रहे थे सारे लोग, तो सब लिख रहे थे पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर अपडेटेड, तो जब इनकी क्या नाम थे, डैल फ्लिप्स, जब डैल फ्लिप्स के साथ भी ये वाकया हुआ, और उसके बाद इन्होंने भी लिखा, और उसके बाद ये खुद गए, ये तो मुझे ऐसा लगता है खुद गए वीडियो बनवाने के लिए, क्या तो इनकी ज्यादा रिक्वेस्ट, स्टॉप उस क्या हो गया है, इसे जबरदस्ती चक्कर देना था उसको, क्योंकि उसको 5,000 चाहिए, 5,000 एक तो ये 1,000 में बोल रहे तरीके से, या तो भाई 1,000 बोल दो, आप जैसे टीचर होंगे तो बच्चे 5,000 ये क्या है भाई, क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है उसको क्या खाक समझ में आएगा। तो फिर ना उसके बाद जब उन्होंने पोस्ट देखी होगी लुप्त अमानत ने, अब मुझे नहीं पता बीबी भगत है कि नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि स्पेशली उसी जगह से क्यों चले गए भाई अपनी वॉट लगवाने, तो खैर उन्होंने नीचे उन्होंने भी कमेंट करा सॉफ्टवेयर अपडेटेड, जो वो भी मतलब जेल में है ना, उनको भी पकड़ दिया,
तो लुक दमन ने भी इनके पोस्ट पर कमेंट किया कि वही पिक्चर थी जेल के अंदर था बेचारा, तो सॉफ्टवेयर अपडेट क्या आवश्यकता थी और भी लेते हैं उनको 5,000 से प्रॉब्लम थोड़ी है, उनको तो प्रॉपर एक वीडियो बनानी है। 5,000 कितने हजार कमाई होगी उन्होंने। और दूसरा ये कि एक घोड़े वाले के साथ सीन हो चुका था, उसको गिरफ्तार करके डाल के दिया गया था, उसको छित्तर लग चुके थे, तो तुम्हें दोबारा लगवाने थे, तुम्हें क्या जरूरत थी? घोड़े वालों के पास मोबाइल नहीं होगा, उनको पता ही नहीं है सब क्या, लोगों ने आके नहीं बताया कि अब तुम्हारे बारे में वीडियो वायरल हो रही है पूरी दुनिया में। ये भी नहीं पता होगा इन्हें, जब भी तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी। अच्छा मैंने एक बार स्कैम कर लिया तो दूसरे वाले को तो सबक हासिल करना चाहिए। मैंने एक पठान को पकड़ के बोला, मैंने कहा तुम लोगों की वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, तुमने अंग्रेजों को लूट रहे हो, और नीचे कॉमेंट आ रहे हैं कि कई फैमिलियों को भी इस तरह लूटा जा रहा है। मुझे पठान बोला, बोला गौर से देखिए पठान नहीं है, कौन है ये? बोला ये रांगड़ी है, तो फलाने हैं, तो फलाने लेकिन भारत मैंने कहा कि देखो इससे बड़े उनकी बंदा जो होती है ये ऊंट का लेकर घूम रहे हैं, घोड़ लेकर घूम रहे हैं, 200 लेके 200 घोड़ के 5,000 लाके दे देता ना। मुझे बोलता मिला देता और मिला देता ला देता, मैं भी मिला लेती हूँ काम पे टांग कर। मुझे बोलते 5,000 चाहिए पकड़ के लिए आती जंगल से टार्जन। आप टेंशन नहीं लो, देखिए उतारते चाहिए ना मैं ताकत अब कुछ नहीं। अच्छा ये काफी फैमिली के साथ ही कर चुके हैं। अच्छा इनके दिन में ना 2 कस्टमर पकड़े बस के, दो ही फंसा सकते हैं यार, किसी को नहीं फंसा। अच्छा फंसते कौन है पता है? ज्यादातर जिनको इज्जत प्यार है, ऑफ कंट्रावर्स सिटी वाले जो कराची से पंजाब से बाहर आए हैं ना, वो घोड़े पे बैठे चलते हैं। एक तो ये क्योंकि कराची वाले ज्यादा पहले देखे घोड़े पे गधा समझते हैं कि गधा बिठाया हमने, अब इसको हम बनाएंगे कि 5,000 मांगे जो ये देगा। अच्छा अच्छा जो एक तो वो मुर्गा देखते हैं कि कराची से बाहर के आ गए कोई, उनको तो 200 रुपए में लेके 5,000। अच्छा तुम नहीं बात, अब दूसरा सुने, एक तो पंजाब वालों को आउट ऑफ सिटी वालों को मुर्गा समझ रहे, जब उनको घोड़ी चौड़ी दिख जाएगी तो कहेंगे ये तो बड़ा मुर्गा है, वो ये चक्कर ये तो कटने ही आया मेरे पास, अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, रोजी आ गई है। इतना बड़ा 6 फीट का बंदा नहीं आया, रोजी आ गई है। 5,000 क्या, मैं 10,000 भी मांगूंगा तो ये देगा? लेकिन इतने पागल नहीं है वो कई बार आ चुके हैं जा चुके हैं। आप सही कह रहे हैं, जब वो वीडियो बना रहे हैं ना, अगर इनको इतनी अकल हो ये वीडियो उनका कैमरा बंद करवा दे, ये नहीं बंद करवा रहे वीडियो भी नहीं पता उन्हें इतना होश भी नहीं। और मैंने देखा कुछ इससे पहले वाला था, वो तो जब वो कह रहे हैं ना नो ब्रो नो ब्रो नो ब्रो यू आर स्कैमिंग मी, तो कह रहे तेरी नाक तोड़ दूंगा, पैसे निकाल मनी के बच्चे। तो मतलब उसको ये होश नहीं है कि सब रिकॉर्ड हो रहा है, वो लोकल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तो ये तो सोचे चलो वो अंग्रेज है, बाकी आवाम को तोड़ दू आती है, वो तो समझ रहे हैं क्या कह रहे हो। अच्छा नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक मीडिया की वीडियो की मोबाइल की इंटरनेट की ताकत ही नहीं पता, तो फिर चित्तर पड़े ना उसे, तो जेल में जब उससे इंटरव्यू लेने गए तो कह रहा है सबसे पहले कैमरा बंद करो कैमरा बंद करो, उसको अक्कल आ गई, चित्तर की बात आई उसको कि ये कैमरे को मुझे फंसवाया। वो तीन को जो गया फिर उन तीन का फर्क बंदे मजीद तीन को गया वो गया नहीं देगा, टार्जन मांग रहा है कैमरा बंद करो, तुम्हें टार्जन बना दे उल्टा लटका दे, मान ही कर देंगे कैमरा बंद कर देंगे। ये नहीं सोच रहे मैं आपको कह रही हूँ, ये देखिए दूसरा कैमरा, या तो फिर नहीं कहूंगी दूसरा केस जो आया है ये प्लानिंग थी, नहीं नहीं पूरी प्लानिंग नहीं थी, इधर से तो गए जाना प्लानिंग थी, जाना प्लानिंग थी वहां पे वो तो वो होगा, वो तो वहां तो मैं थी नहीं, वो तो बैठी नहीं इंतजार में उनके लिए, तो मतलब 6 फुट का मुर्गा आ गया बिल्कुल ऐसा ही, वो इसी इंतजार में बैठे हुए, लेकिन ये प्लानिंग थी कि मैं भी जाऊँ देखूँ होता क्या। अच्छा आप एक बात बताएं, जब मैं आपके घोड़े पर बैठी हूँ, ये पहले भी पाकिस्तान आ चुका था नहीं, दोबारा फिर कई बार आ चुके हैं वो लोग, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दफा तो सिर्फ इस घोड़े वाले के लिए आया है, और वो लाहौर जा चुके हैं और ये अभी कराची में। तो हुआ ये था, मैंने खुद देखी वीडियो फॉटेज के अंदर, ये हुआ है जब ये उस घोड़े पे बैठा है तो ये जैसे उसने कहा ना 5,000, तो इसने मुझे बोला, उसने उसको बोला है कि स्टॉप 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 नो ब्रो नो ब्रो, तो वो कह रहा है स्टॉप, और वो जल्दी घोड़ा भगा रहा है, घोड़ा भगा रहा है, और जिसमें वो बैठा था वो कह रहा है उसकी भी पे तुम करोगे, अरे भाई कौन सा रेगुलेशन चल रहा है, मतलब वहाँ पे हाँ वहाँ पे जितने घोड़े तो सबका पे वो क्यों करेगा भाई, क्या हो गया? हाँ
5000 मांगे। अच्छा एक और बात बताऊं, वो इतने बड़े बिल के मालिक हैं कि 200 की जगह 1000 दे दे दिया था उसने, लेकिन कह रहा नो 1000 नहीं पूरे 5000 चाहिए, फिर उसको 5000 मिलने चाहिए। पुलिस वाले, पुलिस वाले 1000 से कम होगी बताओगे? 1000 उठा रखा है बताया होगा। अच्छा वीडियो दी कश्मीर वीडियो बिल्कुल, और पुलिस वाले और आर्मी आपस में पुलिस से निकल आया टॉपिक हमारा, लेकिन ये होना चाहिए कि आवाम के दरमियान। अच्छा पुलिस वाले अगर आवाम के साथ दोस्त हो तो पुलिस वाले उनको सिखाएंगे भी सही, बेटा कभी भी इस तरह नहीं किया किसी से 5000 नहीं मांगा था। अब पुलिस के दरमियान आवाम की दोस्ती नहीं, तो कहेगा 2000 आपको भी दे दूंगा, मान के लिया करो 7000 मांगो, 2 मेरे 5 तुम्हारे, फिर बेफिक्र होगा, फिर बेफिक्र होगा। है बहुत खूबसूरत वीडियो, एक अच्छी खूबसूरत पिक्चर कश्मीर की। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।